बिग बॉस के कंटेस्टेंट प्रियांक शर्मा की घर में दोबारा वापसी करने की खबरें लगातार आ रही हैं। पिछले हफ्ते रिंचैक पूजा की वाइल्ड कार्ड एंट्री के वक्त भी प्रियांक घर में आने वाले थे, लेकिन मेकर्स ने उन्हें अचानक रोक दिया था। अब खबर है कि फाइनली प्रियांक ने घर में एंट्री कर ली है। बॉलीवुड लाइफ की माने तो प्रियांक को घर में दोबारा देखकर उनके दोस्त बेनाफ शाह और विकास गुप्ता की खुशी का ठिकाना न था। बेनाफ शाह उन्हें देखते ही उनकी तरफ भागी और गले से लगा लिया। हालांकि वह थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी। विकास तो यकीन ही नहीं कर पाए कि प्रियांक घर में दोबारा से वापस आ गए हैं। कुछ देर बाद विकास गुप्ता और प्रियांक की आपस में बातें हुई। विकास उन्हें कहते हैं कि वह घर में किसी पर यकीन नहीं करते। वहीं प्रियांक बेनाफ शाह से अपनी नाराजगी बयां करते हैं। हालांकि इस बीच टू ऐसे भी कंटेस्टेंट हैं जो प्रियांक के घर में आने से बिल्कुल खुश नहीं है। पुनीत शर्मा प्रियांक को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। अब इसकी वजह तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगी। प्रियांक को सलमान खान ने घर में हिंसा करने के आरोप में बाहर निकाला था। विकास गुप्ता और आकाश ददलानी की लड़ाई में प्रियांक ने बीच बचाव करते वक्त आकाश से हाथापाई की थी। प्रियांक के घर में दोबारा आने से आकाश ददलानी भी खुश नहीं है। दोनों ही घर वालों के बीच पहले लड़ाई जो हो चुकी है, अब देखना यह है कि बिग बॉस में कौन सा नया ट्विस्ट आता है। न्यूज़ एरिना रिपोर्ट।